ओके तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, टीजर ट्रेलर मैंने देखा क्योंकि मिलियंस ऑफ व्यू आ चुके हैं, तो बताइए कि कैसा रहा आप लोग का एक्सपीरियंस लंबे टाइम के बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ में आ रहे हैं, तो बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। नर्वसनेस होती है कि जितने भी मिलियंस हो वो कम लगते हैं। और मिलियन चाहिए, बिलियंस चाहिए। अभी तो तुषार ग्रीडी हो रहे हैं, मैं तो मिलियंस के साथ ही खुश हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, सो मेनी व्यूज और इतने टाइम बाद आई एम डूइंग सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ सीरीज लाइक दिस, और मैं इसमें हसीना का किरदार निभा रही हूँ एक गोस्ट का, तो भूतनी बन के तो मुझे बहुत मजा आया। I loved being a bhootani in the series. I think, I mean, in fact, more than the scenes that we had together, which are very few, I think it was just fun interacting a lot on set with everyone, with Mallika, and we worked together earlier, but it's been a long gap, so it was nice to get to know her all over again, and the new life, you know, abroad that she's led all these years. So, bahut hi एक डिफरेंट मलिका मतलब पहचानने में आई इस बार दैन द मलिका दैट आई न्यू अर्लियर, एंड इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग। शी इज सो फिट, सो वेल मेंटेन्ड एंड सच अ पॉजिटिव पर्सन, और सेट पर भी मतलब जो भी हमारे सीन्स थे उनमें तो आई थिंक इतना मज़ा आया कि बट इतने मतलब मतलब एक जो एनर्जी के साथ किया हम सब ने, और इतना इतने सारे सीन्स किए कभी कभी एक दिन में कि पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया, वक्त का पता ही नहीं चला। एक्चुअली दो सीन्स दैट आई हैव डन विद हर व्हिच वी आर टुगेदर इन आर वेरी इंटेंस, दे आर हाई एनर्जी सीन्स, हाई ऑक्टेन, व्हाटएवर यू मे कॉल इट, एंड दे कम एट अ पॉइंट इन द फिल्म वेयर यू हैव टू बी ऑन योर टोज, एवरीबॉडी इज ऑन दिस रियली पैनिक स्ट्रिकन मोड, तो ये समझ में नहीं आता अच्छा ये मलिका ये वो ये, क्योंकि सब साथ में थे उस टाइम पे, यू नो, सो हमने बातें बहुत की एक्चुअली। मैं एक्चुअली इतना टायर्ड हूँ अभी कि कोई मुझे कोई भी मुझे डरा नहीं सकता। I'm right now. So, बड़े सरल शब्दों में मैं अपना किरदार बताऊंगी। हाँ, तो हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, लेकिन अगर आपने हसीना की ना मानी तो आपकी जान जाएगी। ये मेरा किरदार है। ये आपका किरदार। हाँ तो सर जी, आई नो कि आप थोड़ा टायर्ड हो चुके, तो थोड़ा सा अगर आप अपने कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं। कॉफी पीने के बाद आप कैसे टायर्ड हो सकते हो? आई डोंट नो, आई थिंक आई नीड कॉफी का जो लेवल था वो हाई नहीं था, नंबर 5 लेवल का एस्प्रेसो जो था, यानी 10 लेवल का। थोड़ा सा अगर आप अपने कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं कि मानव है वो, मतलब नाम मानव है उसका, और मानव इतना भी सीधा नहीं है, लेकिन वो दिखाता नहीं है वो क्या क्या है उसके अंदर, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिलहाल तो वो अपने फ्रेंड्स को वेलकम करता है क्योंकि वो सब आ गए हैं उसके रिजॉर्ट में, अभी जैसे आपने ट्रेलर में देखा, और सब मतलब एक हनीमून रिजॉर्ट में एक पार्टी सा इंजॉय करने आए हैं, वीकेंड पार्टी इंजॉय करने आए हैं, बैचलर पार्टी इंजॉय करने आए हैं, नहीं नहीं सब कपल्स आए हैं। हाँ, लेकिन बड़े चालू लड़के हैं सारे, सब बड़े चालू हैं वो, नॉट इन दैट पुराना मंदिर स्टाइल, इन द कूल मॉडर्न स्टाइल, यस, बट उसके बाद उनकी पार्टी का क्या हर्ष, हाँ क्या बोलते हैं, क्या हाल होता है, क्या हाल होता है वो आपको दिखाई देगा, और मानव क्या करता है उसके बाद, और मानव के साथ क्या होता है वो मेरे किरदार के साथ होगा। फिलहाल ही इज़ अ स्मार्ट गाय, ही इज़ अ नॉर्मल सिंपल पर्सन, बट वेरी स्ट्रीट स्मार्ट इन हिज ओन वे। ये मतलब कल आके क्या करती है इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं चलता क्योंकि आ रही है कि जा रही है, इसके पैर उल्टे, तो इसके पैर उल्टे देखकर ही मैं मतलब शॉक में रह जाता हूँ। उल्टे पैर वाली लड़कियों से तो बहुत डर लगता है, लेकिन सब मुझे देख के उल्टे पैर भाग जाते हैं। And she comes up from, she comes from somewhere like a, like this, you know, this, I don't know what you may call it, but वो suddenly आसमान से उतर के आती, कभी भी उसको चाहिए तो वापस ऊपर चली जाती है, तो actually हम लोग बहुत डर जाते हैं उसको देखकर, और I think there's a mystery element because हमें पता नहीं होता कि ये हमारे साथ इतने दिन थी इस resort में, जब मालूम पड़ता है तो सबकी फट जाती है।
वेब सीरीज की दुनिया में आप बोल रहे हैं, डेब्यू कर रहे हैं, तो जरा हम देख रहे हैं कि ओके लास्ट आखिरी सवाल, हम देख रहे हैं कि ये जो वेब सीरीज की दुनिया है बहुत ही पॉपुलर होते जा रही है, हर किसी को ये प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा है, आप लोगों ने भी अपना डेब्यू कर दिया, तो बताइए कि ये दुनिया ये जो है वेब सीरीज की कितना पसंद आ रही है आप लोगों को एंड कितना इन्जॉय किया आप लोगों ने? बिल अभी तो 27 को पता चलेगा कि कितनी पसंद आ रही है ये दुनिया, लेकिन इस फिल्म इस शो को बनाने में तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। एंड जैसे कि मलिका कहती है OTT प्लेटफॉर्म में हम आई थिंक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते अब खुलकर, आई फील आर्टिस्ट को बहुत फ्रीडम है, यू नो आर्टिस्ट्स दे नीड टू बी फ्री, दे नीड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, वेयर इज फिल्म देयर इज सेंसरशिप, also there is a formula, people like to follow a certain formula, but whereas in OTT platforms you can do as you want, there are no rules, you can break all the rules, so for artists that is very liberating, for a director it's very liberating, he can tell the story he wants to tell, so I prefer as an artist an OTT platform more than the film. Also is aur iski release ek normal film ke release ke मुताबिक बहुत ही अलग है, यू डोंट यू आर नॉट प्रेशराइज टू प्रमोट इट ओनली टूवर्ड्स द रिलीज डेट, रिलीज के बाद भी कर सकते हैं आप, मतलब जब तक शो चलेगा तब तक प्रमोट कर सकते हैं, सो देयर इज नो डेडलाइन एज फार एज यू नो द वे वी आर प्रमोटिंग इट, ऐसा नहीं कि अभी थर्सडे को आ रही तो आज हम पैनिक में नहीं है, क्योंकि हम थर्सडे को भी कर सकते हैं, फ्राइडे को भी कर सकते हैं, जैसे वर्ड ऑफ माउथ बढ़ते जाएगा और प्रमोट कर सकते हैं, ऑब्वियसली बनाने में एक टाइम कंस्ट्रेंट होती है क्योंकि देयर आर बजट्स दैट वी हैव टू वर्क अराउंड, देयर आर टाइमलाइंस दैट वी टू वर्क अराउंड, और एक OTT प्लेटफॉर्म के बहुत सारे शोज होते हैं तो सबकी मतलब एक रिलीज डेट होती है, तो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दोज डेडलाइंस, बट यू कैन यू नो यू कैन डू देयर सो मेनी चेंजेस दैट वी हैव कम अक्रॉस, लाइक द वे वी आर प्रमोटिंग द शो, द यू नो द काइंड ऑफ the performances that we were asked to deliver, that she, as she said, there was a lot of creative freedom there, the way it was written Absolutely. Is very different from yeah. the way films are written, and there's a lot more treatment also because there are so many episodes, the treatment bhi aap zyada de sakte hain, you're not packing it in 2.5 hours, you can treat it as much as you want because you have 9 episodes. कैमरे में बोले हेलो आई एम मल्लिका शेरावत हाय दिस तुषार 27 जून बू इज स्ट्रीमिंग ऑन ऑल्ट बालाजी प्लीज वॉच थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू बाय थैंक यू